बहुत लंबा सफ़र करना पड़ा मुझे इसके लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और अभी वही चीज़ को मैं बता रही हूँ कि मेरे साथ जो टॉर्चर हुआ, जो अन्याय हुआ, जो मुझे अधिकार से वंचित किया गया, मुझे मेरी बच्ची को सिर्फ गंदगी के वजह से मतलब इतने सारे लोग उसके गंदगी में सपोर्ट किया, बीसीसीआई को कोई एक्शन लेनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं लिया। मुझे भी लगता था कि मैं बंगाली हूँ, बंगाल से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे जस्टिस मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो आज वो दिन आ गया और मतलब मेरा जो यकीन था वो यकीन आज फुलफिल हुआ है। जो मेरे एलिगेशंस थे कि समी ने मेरे साथ बहुत गलत किया, समी ने और समी के भाई ने मेरे साथ बहुत गंदी बिहेव किया, तो वो सब आज आप लोग के सामने तो आ ही गया है। कुछ महीनों से उसने बेबो का मेंटेनेंस भी बंद कर रखा है। खैर, वो जो कर सकता है करे, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं जब इस लड़ाई में उतर चुकी हूँ लड़ने के लिए, तो मैं आखिरी तक लड़ूंगी और मैं भी आखिरी तक देखूंगी कि जीत किसकी होती है, आप ये अन्याय। कह रही थी कि जो बीसीसीआई है वहाँ से उतना सपोर्ट नहीं मिला, समी तो खैर अभी वापस टीम में आ गया है और खेल भी रहा है, लेकिन अब जब चार्जशीट दाखिल हो गया है, कोर्ट ने कहा है नेक्स्ट जब हियरिंग होगी तब समी को पर्सनली कोर्ट में हाजिरा देनी पड़ेगी। देखिए, इस मैटर में लॉयर ही ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे आपको, लेकिन मेरा जो कहना है या आप लोगों की भी जो थिंकिंग है, बैक कैमरा आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उसकी वजह से थैंक यू। आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि समी ने जो गंदी हरकत करी है और वो मैंने साबित किया है, लेकिन फिर भी बीसीसीआई ने उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब तो उसके अगेंस्ट में चार्जशीट भी पुलिस बिल्कुल ने दे दिया है, अब अब तो जमा कर कम दिया, से कम बिल्कुल पुलिस बीसीसीआई को उसके अगेंस्ट में मतलब एक्शन लेना चाहिए। टीम से निकाल देना चाहिए क्योंकि उनका कंडक्ट आप कह रही है बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, टीम से निकाल देना चाहिए या फिर उसके अगेंस्ट में क्या अच्छा एक्शन या बुरा एक्शन जो भी हो सकता है, या बीसीसीआई अच्छी तरह से जानती है। मैं ये नहीं बोल सकती कि उसे टीम से निकाल दिया जाए, क्योंकि हालांकि वो इंडिया के लिए खेल रहा है, अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, मैं तो उसे देखती भी नहीं और देखना पसंद भी नहीं करती, हालांकि मैं सुनती हूँ आप ही लोगों से, तो अच्छे फॉर्म में है, देश के लिए खेल रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन है तो क्रिमिनल, उसने किया तो क्राइम है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी, मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद करी। बीसीसीआई का ही ये एक्शन था राहुल के खिलाफ, केएल राहुल के खिलाफ और बिल्कुल हार्दिक पांड्या के खिलाफ, बिल्कुल तो समी अहमद के खिलाफ क्यों नहीं? बिल्कुल आदर्श गेम में भी जब अगर उनके बिल्कुल बोर्ड्स अगर एक्शन लेती है, बिल्कुल अदर्स कंट्री के बोर्ड भी अगर एक्शन लेती है, तो समी अहमद के लिए क्यों नहीं? यूं नहीं क्योंकि समी अहमद ने उमेश कुमार नाम के एक क्रिमिनल को हायर कर दिया, मीडिया को उसने मैनेज कर लिया, उसने ज़बरदस्ती का झूठा आरोप लगा के मुझे बदनाम कर दिया। आप ही बताओ ना, 1.5 करोड़ की अगर मैं शॉपिंग करती तो उस शॉपिंग से ही तो मेरे सालों साल मेरे गुजर जाते, अभी मुझे क्यों परेशान होना पड़ रहा है? फिर इन लोगों ने, फिर समी ने क्या किया, फेक एक्सीडेंट करवा के पब्लिकली हमला करवाने की कोशिश करी मुझ पे। अभी सिर्फ पब्लिक जो है उसे देख रही है इस नज़र से कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ज़्यादातर उसे मुस्लिम के सपोर्ट मिल रहे हैं, क्योंकि अकेला बंदा है, वो मुस्लिम खेल रहा है। मैं भी मुस्लिम हूँ, मेरे साथ भी अन्याय हुआ है, वो जस्टिस मुझसे कहाँ, मुझे कहाँ मिलेगा? एक मैं अगर मॉडलिंग करती हूँ, मेरे कपड़े अगर वेस्टर्न हैं तो मुझ पे उंगली उठाते हैं कि इसके ड्रेस देखो, ये पार्टी करने लगी है, ये दोस्तों के साथ घूम रही है। और उसने जो जिना किया, जो हमारे इस्लाम में गैर औरत के साथ संबंध बनाना एक कबीरा गुनाह है, तो उस चीज़ को किसी ने नहीं देखा। मैंने उसके मोबाइल खोले, उस लड़कियों के फोन पिक्चर्स, उस लड़कियों के चैटिंग, उस लड़कियों के फोन नंबर, उस लड़कियों के जगह, हर कुछ डिटेल्स में बताया, लेकिन समी अहमद ने कहा उसने तो मुझे फंसाने के लिए। मैं बीसीसीआई के सामने अपील करना चाहूंगी कि समी अहमद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसे ये ना देखे कि हाँ वो अच्छा परफॉर्म करे। अच्छा परफॉर्म करने वाले बहुत एक हमारे अच्छा इंडिया इंसान में होगा, पड़े हैं और अच्छा इंसान भी होना बहुत जरूरी है। अगर उसे सजा नहीं दोगे तो उसका देखकर तो दूसरा आदमी भी वैसा ही करेगा ना। तो वो खेल रहा है, वो अच्छी परफॉर्म कर रहा है, इसी वजह से क्राइम करके बच गया, ये नहीं करना चाहिए। उसे उसकी मिलने वाली सजा, उसे हर मतलब जय क्या, मुझे इतना हिंदी भी नहीं आती, मतलब उसे देना ही चाहिए उसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो